सो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन कि जो वेरियस प्रोविजंस हैं हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं उसका, तो यूएसए का देख चुके हैं, यूके का देख चुके हैं, अफ्रीका का देख चुके, कनाडा का देख चुके, आयरलैंड का देख चुके, जापान का देख चुके, ये 6 नेशन है जहां से हमने ये ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियोज में जाके देख सकते हो। इस लेसन में हम देखेंगे कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या प्रोविजंस अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन जो है जो हमने लिया है वो है कंकरेंट लिस्ट का, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट मतलब जो हमारा हमारा जो शेड्यूल 7 है जिसमें स्पेसिफाई है कि इन सब्जेक्ट्स पर स्टेट लॉ बना सकता है, इन सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल लॉ बना सकता है, और एक लिस्ट है जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, यानी कि उन सब्जेक्ट्स पर जैसे एजुकेशन हुआ, एजुकेशन को सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है, सेंटर भी उसके लिए कोई स्कीम बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। तो एक कंकरेंट लिस्ट वाला जो कंसेप्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक, क्लियर। सेकंड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द कंट्री। हमारे पास आजादी है कि हम पूरे देश के अंदर घूम सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं किसी भी चीज का, मतलब जो चीज अगर जैसे मतलब जो नशे की चीज होती है उन सबका ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे हाथी के दांत हुए इनका भी नहीं कर सकते हम, पर जो चीज रेस्ट्रिक्टेड नहीं है उन चीज का कोई बिजनेस हम एस्टेब्लिश करना चाहें तो पूरे इंडिया में कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आप इधर उधर घूमने की और घूमते हुए ट्रेड करने की, कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम एक बिजनेस। वो हमारे पास जो फ्रीडम आई है वो हमारे पास जो प्रोविजन है वो कहां से आया है, ये वाला प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है, ठीक है। हमारा फंडामेंटल राइट भी आर्टिकल 19 में कहता है कि हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, हमारे पास मूवमेंट की फ्रीडम है कि हम ऑल ओवर इंडिया में आराम से घूम सकते हैं फ्रीडम के साथ। फिर हमारे पास प्रोविजन जो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से वो है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जब मैं आपको मनी बिल के बारे में पढ़ाऊंगा, ऑर्डिनरी बिल के बारे में पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और फाइनेंशियल बिल, इन सबों के चारों के डिफरेंसेज और इनके बारे में जब समझाऊंगा तब इसको और एलोबरेट करूंगा कि ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है। बट फिलहाल इतना समझ लो कि अगर कोई कभी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक होता है, यानी कि कोई बिल जिसको लोकसभा ने प्रपोज किया और वहां पर पास भी हो गया, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा बोलती है कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करो और वो अमेंडमेंट लोकसभा एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर ऐसी स्थिति बनती है कि राज्यसभा उस पर कोई फैसला नहीं लेता, उसको एक्नोलेज नहीं करते, तो जब ऐसी डेडलॉक वाली सिचुएशन पैदा जब हो जाती है तो उस समय प्रेसिडेंट क्या है, एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक ही समय मिलेंगे और उसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, मतलब जो भी बिल है जिसके ऊपर ये आपस में कन्फ्लिक्ट हो रही है उसको वो रिजोल्व करेंगे। तो ऐसी ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये बेसिकली 3 प्रोविजन है जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम लेसन में देखेंगे कि हमने रशिया, जो पहले यूएसएसआर कहा जाता था, उससे हमने क्या लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके।